प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने साझेदारी से संबंधित कुछ जर्नल प्रविष्टियों की चर्चा शुरू करी थी। आज कक्षा 12 बही खाता लेखा शास्त्र कक्षा में उसी प्रकरण को हम जारी रखते हुए जर्नल के 8वीं प्रविष्टि, 7 प्रविष्टियां हमने उसमें कराई थी, 8वीं प्रविष्टि पर चलते हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ है साझेदारों को वेतन, बोनस व कमीशन देना। ठीक बच्चों, अगर किसी साझेदार को वेतन देना है तो उसकी क्या प्रविष्टि होगी? जैसा वेतन का स्वभाव है, बोनस उसी स्वभाव का है, कमीशन भी उसी स्वभाव का है। तो ये चूंकि व्यवसाय के लिए, फर्म के लिए यह खर्च में आता है और हम लोग खर्च को, एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करते हैं, इस कारण से सैलरी, बोनस और कमीशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। और संबंधित पार्टनर के पूंजी को हम क्रेडिट कर देंगे, उसके पूंजी खाते में हम उसका कमीशन, उसका बोनस सब जमा कर रहे हैं, इसलिए ये प्रविष्टि होती है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग सैलरी, बोनस एंड कमीशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब हम नवे एंट्री की ओर बढ़ते हैं। जो आपने वेतन, बोनस, कमीशन दिया है वह संस्था का नुकसान है, नुकसान से आशय खर्च से है यहाँ, और उस खर्च को हम पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए लाभ हमारा कम होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और सैलरी यहाँ पर जो अकाउंट ओपन हुआ है वो बंद हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट करना पड़ेगा टू सैलरी, बोनस या कमीशन अकाउंट, जिस नाम से वो दिया गया है पैसे उसको हम क्रेडिट कर देंगे, नरेशन कर देंगे, बीइंग सैलरी, बोनस एंड कमीशन ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये दो प्रविष्टि और हुई। ठीक है, अब इसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे। 10वीं एंट्री, नेट प्रॉफिट को साझेदारों के मध्य उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटने की है। ठीक है बच्चों, नेट प्रॉफिट जो कि पीएल अकाउंट से प्राप्त होता हमें है और पीएल अप्रोप्रिएशन उसी का एक विस्तार होता है, वहीं हम बंटवारा वगैरह करते हैं, तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे क्योंकि अब प्रॉफिट वहाँ से निकल करके साझेदारों के पूंजी खाते में जा रही है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, नरेशन कर देंगे, प्रॉफिट क्रेडिटेड यानी प्रॉफिट को क्रेडिट किया गया कहाँ, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, इन द सेम वे अगर विपरीत परिस्थिति हो, नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो, तब क्या करेंगे? शुद्ध हानि को साझेदारों के मध्य बांटना। प्यारे बच्चों, जब शुद्ध हानि आ जाए तो एप्रोप्रिएशन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वह सीधे सीधे लाभ हानि का खाते में ही जो है उस लाश को हम बांट सकते हैं, वहीं पर सबको वितरित कर सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर प्रॉफिट तो आया ही नहीं है कि हम उसको विस्तृत फॉर्म में वितरित करके दिखाएं। ठीक है, न उनको वेतन देना है, न सैलरी देनी है, वेतन देना है, न सैलरी देनी है, न कमीशन देना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसलिए अब उन इस लॉस से उनकी कैपिटल कम होगी, कैपिटल को डेबिट करा जाएगा और चूंकि ये पीएल अकाउंट से ही है बांटना है तो पीएल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बीइंग लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार जब हमारे साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील विधि से रखे जाएंगे तो ये जो है कुल 11 प्रविष्टियाँ हमने बताई पिछले वीडियो को देखते हुए और आज के वीडियो को सम्मिलित करते हुए, कुल 11 एंट्री हमने आपको सिखाई है यहाँ पर। अब हम इसके बाद सीखेंगे कि यदि साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी विधि से रखे जाएं तो इन्हीं प्रविष्टियों को किस प्रकार से हम करेंगे। ठीक बच्चों, तो आइए हम उसको देखते हैं। बच्चों, अब हम लोग ये सीखेंगे कि अगर साझेदारों की पूंजी स्थायी पूंजी विधि से रखी जाए तो
उन्हीं प्रविष्टियों को किस तरीके से करा जाएगा। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शन वही है और एंट्री भी कुछ मिलती जुलती है, कुछ जगह थोड़ा थोड़ा परिवर्तित हुआ है, क्योंकि हमें जानते हैं कि स्थायी पूंजी विधि में दो खाते मेंटेन किए जाते हैं, एक तो पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। ठीक है, तो पूंजी खाते में क्या जाएगा और चालू खाते में क्या जाएगा, हम उसके अनुसार जो है यहाँ पर जर्नल करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रविष्टि जो है, पहला ट्रांजैक्शन सायेदार द्वारा पूंजी लगाने पर, ये हम उस विधि में भी दिखाए थे, वही एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक पूंजी हमेशा पूंजी खाते में ही जाता है, तो एंट्री भी वही होगी। मैंने वही एंट्री लिख दिया है, नरेशन आप वहीं वाला लिख लेंगे, कम्प्लीट हो जाएगा। दूसरा, पूंजी पर ब्याज, इस ये जो पूंजी लगाई गई है साल के अंत में, अगर उस पर ब्याज की व्यवस्था है तो उसकी क्या एंट्री होगी। उस विधि में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ जो करंट लिखा है वहाँ पर कैपिटल अकाउंट उस विधि में होता था, क्योंकि उस विधि में सारी प्रविष्टियाँ, सारे आइटम्स जो है वो कैपिटल में जाते थे। लेकिन यहाँ पर दो अकाउंट हैं, पूंजी पर ब्याज को हम करंट अकाउंट में लिखते हैं, इसलिए कैपिटल की जगह करंट अकाउंट का प्रयोग किया जाएगा। ये परिवर्तन है, ध्यान देंगे आप दोनों विधियों में, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ओके, अब आइए तीसरी प्रविष्टि को देखें, पूंजी पर ब्याज, यह क्या होता है, नुकसान होता है, संस्था का खर्च होता है, इसलिए इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। ये काम पिछली विधि में भी हुआ था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि परिवर्तनशील में भी यह चीज था, सेम वही एंट्री आप यहां देख रहे होंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन वहां भी डेबिट था, यहां भी डेबिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बंद हो जाता है, इसको क्रेडिट कर देंगे, बंद हो जाएगा, यहां पर पहली बार डेबिट हुआ है, बंद करने के लिए क्रेडिट। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, फोर्थ एंट्री देखिए, अगर साझेदार आहरण कर ले, अगर साझेदार आहरण करे तो क्या एंट्री होगी, जैसा उस समय एंट्री होता था, पहले एंट्री होता था, वैसे एंट्री आज भी है, यहाँ भी है, कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ उस विधि में भी यही एंट्री है, इस विधि में भी यही एंट्री है। अब इसके आगे पांचवी एंट्री हम लोग आहरण पर ब्याज के लिए देखेंगे। तो बच्चों, पांचवी प्रश्न में हम साझेदार ने जो आहरण किया है उस पर ब्याज की व्यवस्था कर रहे हैं और यह ब्याज भी करंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। ओके, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, नरेशन आपका हो जाएगा। छठी प्रविष्टि, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना, क्योंकि यह भी नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यह संस्था के लिए गेन है, फायदा है, तो निश्चित रूप से यह क्रेडिट पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाएगा और इस अकाउंट को यहाँ से बंद कर देंगे, यहाँ ओपन हुआ है, क्रेडिट है, बंद करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक बच्चों, अब इसके बाद साझेदार ने जो आहरण किया है वो अभी ड्राइंग अकाउंट में पड़ा है, उसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, वह ड्राइंग भी कैपिटल में ट्रांसफर होगी ना, अब उसकी एंट्री सातवीं प्रविष्टि में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, सातवीं प्रविष्टि में हम लोग ये देखेंगे कि साझेदार ने जो आहरण किया था उस आहरण को हमें उसके खाते में एडजस्ट करना होता है, तो चूंकि यहाँ पर तो दो खाते बनते हैं, एक पूंजी और दूसरा चालू खाता, तो हमने बताया था कि जो आहरण होते हैं, रूटीन जो नेचर के होते हैं, वो सारी चीज़ें ऐसे मदे सारे जो रूटीन नेचर की होती हैं वो करंट अकाउंट में एडजस्ट होते हैं, तो ये आहरण जो है बार बार साझेदार करते रहते हैं, इसको भी हम करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, तो करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये ड्राइंग जो अकाउंट खुला था वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ठीक, आठवीं प्रविष्टि देखेंगे, साझेदारों को वेतन देना। पिछली विधि में जो कि परिवर्तनशील पूंजी विधि थी, उसमें ये सारी चीज़ें जो है कैपिटल अकाउंट में हम लोग डालते थे, यहाँ पर करंट में डालेंगे। देखिए, सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बोनस डेबिट टू पार्टनर करंट, कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स करंट। ठीक है, नरेशन आप देख रहे हैं, सैलरी बोनस कमीशन क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट। नवीं प्रविष्टि आप देखें,
ये जो वेतन बोनस है नॉमिनल अकाउंट का नेचर का है, इसे हम पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। पिछली विधि में भी करे थे, इस विधि में भी वैसा ही होगा, सेम वही प्रविष्टि यहाँ पर लिखी हुई है, आप मिलान कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अब दो एंट्री और बची हुई है, एक शुद्ध लाभ बांटने की और दूसरा शुद्ध हानि बांटने की। ठीक है, आइए उसको देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसा बताया था हमने कि दसवीं प्रविष्टि हम ये दिखा रहे हैं कि शुद्ध लाभ साझेदारों के बीच बटे, उनके लाभ विभाजन अनुपात में बटता है, यह जैसा कि पूर्व विधि में बटा हुआ था। बस अंतर यह है कि परिवर्तनशील पूंजी विधि में यह लाभ जो है कैपिटल अकाउंट में जाता है, लेकिन इस विधि में यह लाभ चालू खाते में जाता है। ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पिछली विधि में आपने ऐसा ही एंट्री किया हुआ था, बस ये करंट की जगह आपने कैपिटल करा था। ठीक है, आप मिलान कर लेंगे। 11वें में विपरीत परिणाम आने पर अगर शुद्ध लाभ की जगह शुद्ध हानि आ जाए तो अप्रोप्रिएशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, पीएल अकाउंट तक में ही हम उसको समाहित कर लेते हैं, पूरा बंद कर लेते हैं। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट, जैसा मैंने बताया कि इसमें करंट अकाउंट में ही सब कुछ जाएगा, तो करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू पीएल अप्रोप्रिएशन की जगह पीएल अकाउंट ही होगा, क्योंकि अप्रोप्रिएशन तक हमें पहुंचना ही नहीं है। ठीक है, लॉस की स्थिति में अप्रोप्रिएट हमें करना ही नहीं है, तो हम पीएल अकाउंट लिख करके इसको क्लोज कर लेंगे। और इस प्रकार से हमने ये सीखा कि दोनों ही विधियों में विभिन्न ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से जर्नलाइज करें, कहाँ कहाँ क्या परिवर्तन है, आप इसको अच्छे से अध्ययन करके इसको समझ सकते हैं, दोनों में अंतर क्या है इसका बखूबी अपने मन में बिठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री की समाप्ति के बाद अब हमारा प्रकरण टॉपिक चेंज होता है, आहरण पर ब्याज की गणना करना हम सीखेंगे। इसमें भी हमने पहला केस ये लिया कि यदि आहरण की राशि और समय अंतराल समान नहीं है, कहने का मतलब साझेदार कभी 200 रुपये निकाल रहा है, कभी 500 निकाल रहा है, कभी 1 जनवरी को निकाल रहा है, तो कभी 1 मई को निकाल रहा है, तो कभी 15 सितंबर को निकाल रहा है, अर्थात उसके विभिन्न आहरण के बीच जो समय अंतराल है वह समान नहीं है, अर्थात वह हर महीने नहीं निकाल रहा है, हर 15 दिन पर नहीं निकाल रहा है, हर 2 महीने पर नहीं निकाल रहा है, कभी 1 महीने बाद निकाल रहा है, कभी 3 महीने बाद निकाल रहा है, ऐसा अगर है तब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, गुणनफल विधि से। और हमने इसे ये फॉर्मूला है और एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा प्रश्न हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका अध्ययन करें और इसको देखिए कैसे हम हल करेंगे इस फार्मूले से। आइए हम देखते हैं, एक टेबल के माध्यम से देखेंगे इसको हम हल कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम यहाँ डेट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे, डेट ऑफ ड्राइंग, उसके बाद अमाउंट लिखेंगे, ड्राइंग की अमाउंट क्या है, नंबर ऑफ मंथ लिखेंगे, क्योंकि सारे मंथ में कैलकुलेट हो सकते हैं, नंबर ऑफ मंथ लिखेंगे, और लास्ट में प्रोडक्ट यानी गुणनफल, ये कॉलम हट जाएगा, 1, 2, 3, 4। डेट ऑफ ड्राइंग फर्स्ट है आपका 1 मई 2019, यहाँ लिख लेंगे, और इसकी अमाउंट है 1200। दूसरी है 1, 8, 19, अमाउंट है 5000। तीसरी ड्राइंग उसने की है 28 फरवरी को,
1800 रुपये की ड्राइंग, ठीक है। अब यहाँ पर सूचना दी गई है कि खाते 31 मार्च को बंद होते हैं, तो हमें जिस दिन ड्राइंग इन्होंने की है वहाँ से लेकर के 31 मार्च तक के समय की गणना करनी है। तो हम अगर देखें तो 1 मई है यहाँ, ठीक है बच्चों, तो 1 मई यानी मई पूरा हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है सितंबर हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और एक मार्च, यानी 5, 5, 10, 11 महीने पूरे हुए, 11 महीने। इस 1 मई से 31 मार्च तक में लेना है, कुल 11 महीने हो गए। अब 1 अगस्त को इन्होंने किया, 1 अगस्त से फिर 31 मार्च तक, क्योंकि 31 मार्च को ही जो है ये क्लोजिंग है। तो 1 अगस्त से हम देखेंगे कितना हो जा रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 इसमें और ये 3 महीने, 8 महीने हुए। अब है 28 फरवरी से, 28 फरवरी के बाद मार्च कितना होगा, सिर्फ मार्च ही तो आया, फरवरी तो खत्म है, तो ये 1 महीना हुआ। बात समझ गई, यहाँ से जिस दिन ड्राइंग करी गई है वहाँ से हमें 31 मार्च तक के मंथ की गणना करनी है, ठीक है। तो हमने ये गणना करी हुई है, अब इस मंथ का इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, जो आएगा वो गुणनफल होगा, उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इस पर इसका गुणा कर रहे हैं, देखिए 12 कम 12 2 हाथ में 1 12 12 13 ये 2 0 लग गया, 13,200 आया, 5 8 40,000 हो गया ये, और ये 1800 हो गया। टोटल आप प्रोडक्ट करना है तो हम इसका टोटल कर लेंगे, 13 14 15 यानी कुल 55,000 इसका टोटल आया, ठीक बच्चों, ये टोटल आप प्रोडक्ट हो गया, ठीक। अब हमारे पास ये फार्मूला है निकालने का, तो आइए इस फार्मूले को लगाते हैं, इसे मिटा रहे हैं इस फार्मूले से। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 55,000 मल्टीप्लाई रेट, रेट वहां 5% है वार्षिक, 5/100 इंटू 1/12 या 365, यहां पर समय की गणना महीने में हुई है, हम 1/12 लेंगे, इसको हल करना है। 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, अब ये 550 है, यहाँ 5 है और यहाँ 12 है, तो 550 इंटू 5 कर लीजिए पहले, 5 5 25 के 5 हाथ में आया 2, 5 5 25 27 12। अब इसको 12 से हम काट लेंगे, 12 2 24 3 बचा 35 हो गया, 12 3 36 नहीं होता है, 12 2 24 होगा, 24 और 11 110 हो गया, 12 9 108 2 बचा, लगभग में 229 रुपये के आसपास आएगा, कुछ पैसे भी आएंगे, तो ये हमारा ब्याज इस तरह से निकल आता है, ठीक है। आप इसको चेक करने के लिए अलग अलग भी निकाल करके चेक कर सकते हैं कि कुल कितना हुआ, कहिए तो चेक करके बता दिया जाए। देखिए आइए इसे हम चेक करें, बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी आपको। देखिए पहली ड्राइंग इन्होंने कितनी की, 1200 रुपये की है, तो ये 1200 रुपये लिख लीजिए, 5% का ब्याज देना है लिख लीजिए, और समय, समय 11 महीना है, ठीक है 11/12 कर लीजिए, ठीक है। पहला ब्याज यहाँ आ जाएगा, लीजिए काट लेते हैं, 11 5 55 रुपया पहला जो आरण किया उसका ब्याज 55, दूसरा आप देखते हैं, देखिए पहला हो गया, दूसरा देखते हैं, 5,000 पर 5% कितना महीना हुआ इसका, इसका 8 महीना हुआ है,
आठ बटा बारह कर लेंगे, तो जीरो जीरो कैंसिल कर लेते हैं और चार दूना आठ, चार दुनिया बारह कर लेते हैं, पचास पचे ढाई सौ, ढाई दूना पाँच सौ, पाँच सौ बाई तीन, तो पाँच सौ बाई तीन को हम कितना कर सकते हैं, अड़तालीस दो छः सात, लगभग इतना आएगा, एक सौ सड़सठ रुपये कुछ पैसे, छियासठ रुपये कुछ पैसे सड़सठ कर लिया हमने। तीसरा 1800 का ड्राइंग उन्होंने किया है, 5% इस पर भी देना है, कितना परसेंट होगा, सॉरी एक महीने होगा, एक बटा बारह, ये लीजिए। अब हम चार छः दूना बारह, छः तीन अठारह, तीन पीछे पंद्रह, पंद्रह बाई दो, पंद्रह बाई दो कितना हो जाएगा, सात रुपये पचास पैसे, सात रुपये पचास पैसे का मतलब मान लीजिए सात रुपया ले लिया हमने, पचास पैसा यहाँ छोड़ रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर हमने बढ़ाया हुआ है, ठीक है, या इसी को एक सौ छाछठ रखिए, चलिए यहाँ पर आठ रुपये कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है जब जब पूरा पूरा नहीं कटता है। अब आइए तीनों को जोड़ लेते हैं, इसको इसको और इसको, आठ छः चौदह पाँच उन्नीस के नौ, हाथ लगाइए, पाँच एक छः सोलह छः तेईस, सोलह छः बाईस, सोलह छः बाईस, ये आप देख रहे हैं 219 रुपये यहाँ भी है और 229 रुपये यहाँ भी है कि नहीं। तो पूरी बात समझ में आ जाती है कि आप अलग अलग निकालें तो भी वही बात है, क्योंकि हमें तीनों ड्राइंग एक ही पार्टनर ने करा हुआ है, इकट्ठे दिखाना है, अलग अलग करने से कोई मतलब नहीं है, बस हमने उसको वेरिफिकेशन के लिए आपको दिखा दिया, प्रूफ किया कि आप अलग अलग निकालेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा है, और इस टेबल के माध्यम से गुणनफल विधि से निकालेंगे इस फार्मूले का प्रयोग करके तब भी वही बात होगी, तो आपका ये सिद्ध हो गया। तो अगर आहरण की राशि अलग अलग हो और समय अंतराल भी अलग अलग हो तो हम इस विधि का प्रयोग करके उसकी ब्याज की गणना कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।